हेलो फ्रेंड, हम आपको सामने एक 2.5 इंच HDD का एक्सटर्नल कैस के बारे में, कैसिंग जो इसको कहा जाता है, कैसिंग के बारे में हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हो। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसके क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या रहता है और इसके काम क्या होता है, किस तरफ कनेक्ट किया जाता है और देखने में क्या होता है। देखने में फ्रेंड इसके अंदर इसी तरफ होता है, ये एक्सटर्नल कैस लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। ये ESB 2, ये दोनों साइड क्या होता है, ESB होता है, क्योंकि इंटरनल हार्ड डिस्क में वो एक्सटर्नल के तरफ काम किया जाता है। ठीक है, इसके ज़रिए तो इंटरनल हार्ड डिस्क में क्या होता है, उसमें USB का डिवाइस होता ही है, USB से कनेक्ट होकर आ जाता है, लेकिन इंटरनल में तो वो नहीं होता है। उसमें पावर सप्लाई एक होता है और SATA केबल भी होता है। ठीक है, SATA या पटा दोनों जो होता है वो केबल भी होता है। ठीक है, तो चलिए देख लेता है इसके अंदर होता क्या है। पहले इसको देखने में इस प्रकार होता है ये, और इसके पास रहता है एक स्क्रू ड्राइवर, उसके अंदर रहता है एक केबल। ठीक है, और कुछ नहीं रहता है। चलिए केबल के और स्क्रू ड्राइवर साइड में दे देता है, उसके अंदर देखिए ये जो ब्लैक वाला ये है USB का एक्सटेंडर, कैसिंग किया जाता है। ठीक है, इधर USB का कनेक्ट किया जाता है इस पोर्शन में, इससे आप इस प्रकार USB से कनेक्ट किया जाता है। तो चलिए इसके अंदर एक हार्ड डिस्क के साथ और एक PC के साथ कनेक्ट करने के लिए अंदर क्या होता है आपको बताता हूँ। ये दोनों साइड स्क्रू से टाइट होता है, ए साइड और ए जो साइड है और इस साइड अंदर रहता है ए डिवाइस। यह क्या काम होता है, इसमें क्या होता है, जो हार्ड डिस्क होता है इंटरनल का, वो हार्ड डिस्क यहाँ पे कनेक्ट होता है। ये जो यहाँ पे पावर सप्लाई और ये जो देख रहा है ये जो हार्ड डिस्क होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, आप पहले मैच कर लीजिए कौन सा साइड में लगाया गया। देखिए जो छोटा वाला है ये देखिए इधर है, उसका मतलब ये घुमा के लगाना पड़ेगा आपको, यहाँ पे दिया उसके बाद साइड से अच्छे से प्रेस कीजिए। ठीक है, ये कनेक्ट हो गया। उसके बाद आपको फ्रेंड ये है मेरा डेस्कटॉप का हार्ड डिस्क है, अब जब लैपटॉप का हार्ड डिस्क यूज करेगा तो उसने क्या होगा, ये जो बॉक्स है एल्यूमिनियम का बना हुआ है ये बॉक्स इसके अंदर ये चला जाएगा। ठीक है, और ये जो USB का सर्किट है ये यहाँ पे लग जाएगा। लेकिन मैंने मेरे पास लैपटॉप का हार्ड डिस्क नहीं है, डेस्कटॉप का हार्ड डिस्क है, इसलिए यहाँ पे देखिए मैंने इसको कनेक्ट किया डेस्कटॉप हार्ड डिस्क के साथ। ठीक है, और ये इसमें क्या लिखा है, ये 1 TB तक ये सपोर्ट करेगा। इसमें अभी जो USB केबल है इसके साथ मैंने यहाँ पे लगाया है। ठीक है, इस प्रकार आप जब PC के साथ कनेक्ट करेगा तो ये कनेक्ट हो जाएगा फ्रंट। ठीक है, इसके ये जो साइड देख रहा है ये भी USB साइड है। ठीक है, जब ये USB से साथ कनेक्ट करेगा USB में कनेक्ट हो जाएगा, और कुछ नहीं है फ्रंट। यही था छोटा सा वीडियो फ्रेंड। ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को कमेंट कीजिए, और इसके बारे में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो फ्रेंड। थैंक यू।